हेलो गाइज, कैसे हो? मेरे अच्छे हो? तो चलिए आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ जो आप लोग काफ़ी पसंद है। इसके लिए मैंने अरहर दाल को आधे घंटे के लिए भिगो लिए हैं। यहाँ भिगे हुए ही दाल ले आप, यहाँ देख सकते हैं ढेर सारी मैंने सब्जियाँ ली है, लौकी और गोभी, आलू और टमाटर आप 2 से 3 कट करके डाल सकते हैं। इसे मैंने सांभर बनाने की रेसिपी आप लोगों को उसे शेयर की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सरसों के कुछ दाने लिए हैं, आधे चम्मच के से 1 चम्मच के लगभग। यहाँ सांभर मसाला मैंने लिया है जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने पैन या कढ़ाई कुकर ले आप उसे गर्म करें, उसमें 1 से 2 चम्मच के लगभग ग्लास डाल करके आप इसे पानी को गर्म करें हल्का सा, और उसमें आप दाल डाल करके उसे 2 सीटी तक पकने दें। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 टमाटर को कट करके इसे ग्राइंडर जार में प्यूरे बना लें। यहाँ अदरक मैंने 1/2 इंच के लगभग कद्दूकस कर लिया है, जीरा 1/2 चम्मच के लगभग है, 2 से 3 मैंने ग्रीन चिली मिर्च लिए हैं। तो चलिए इस तरह हम ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इधर मैंने कुकर भी चढ़ा दिया हूँ, इधर पैन भी गर्म होने के लिए दूसरे गैस पर मैंने डाल दिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर तेल डाला है, 1 चम्मच के लगभग। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सबसे पहले आप गोभी को भून लें, उसके बाद में उसी में आप हल्का ब्राउन हो जाए गोभी तो उसमें आप आलू और कद्दू लौकी डाल करके आप उसे भी अच्छे से भून लें। आप देख सकते हैं इधर मैंने इसे भून लिया है, अब आप आलू डालें इसमें और कद्दू लौकी डाल करके आप इसे आप दोनों को अच्छे से पकने दें और इसे बराबर से धीमी फ्लेम पर भूनते रहें। हल्का पकने के लिए इसमें हल्का सा आप नमक 2 चुटकी के लगभग डाल दें और थोड़ा 1 से 1.5 चम्मच के आधे ग्लास के लगभग आप यहाँ पे पानी डाल करके इसे ढक दें। 2 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आप इधर देख सकते हैं मैंने दाल भी 2 सीटी दिलवा दिया है। यहाँ दाल बन चुका है, आप इसे नेक्स्ट बर्तन में इस तरह से इसको मिला करके आप निकाल लें। और इधर आप देख सकते हैं मैंने ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं सब्जियां भी, अब इसे भी आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले या ठंडा होने दे। इधर कुकर मैंने चढ़ा दिया है उसी में, और आप देख सकते हैं अब इसमें आप 2 चम्मच के लगभग तेल डालें और सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे जीरा अदरक लिया है और लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेज़पत्ता डालकर सरसों के कुछ दाने, मेथी दाने भी आप इसमें 1/2 चम्मच के लगभग ऐड कर दें और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पकने दें। देख सकते हैं यहाँ मैंने तेज़पत्ते 2 डाले हैं और लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। सारे मसाले अच्छे से यहाँ पे भून गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से पक रहे हैं। इसी तरह से आप भी धीमा फ्लेम पर इसे पकाए। आप एक प्याज को कट करें और उसे अच्छे से आप यहाँ पे जब हल्का ब्राउन हो जाए मसाले तो उसमें आप डाल करके इसे भी हल्का सा हम भून ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्यूरे भी बना लिए हैं, इसे आप यहाँ पे खटाई भी मैंने लिए हैं, आप इमली कर ले सकते हैं या आम का खटाई भी यूज कर सकते हैं, आमचूर पाउडर भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। सांभर मसाला में 1 से 1/2 गिलास के से कम पानी डालकर 2 से 4 चम्मच के लगभग आप अंदाजे से डाल करके इसे मसाला बना लें और उसे सबसे पहले ऐड करें इसमें और उसे अच्छे से पकने दें। उसके बाद में आप इसमें प्यूरी ऐड करें। ऑलरेडी इसमें मसाले सारे होते हैं सांभर में, तो आप एक्स्ट्रा मसाले ऊपर से कुछ आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मैंने प्यूरे भी डाल दिए, इसे अच्छे से मिक्स करें। आप चाहे तो कलर के लिए हल्का सा हल्दी पाउडर इसमें 2 चुटकी के लगभग ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने उबले हुए जो सब्जियाँ थी उसे भी आप इसमें ऐड कर दें। इसकी पानी बिल्कुल न फेंके, उसमें विटामिन होती है ढेर सारी, उसी या पानी इस्तेमाल करें इसमें बाद में। यहाँ देख सकते हैं मैंने हल्दी डाल दिया, सबको मिला ले अच्छे से। यहाँ पे मिल जाने के बाद में ये हल्का सा पक जाए तब इसमें आप दाल डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर लिए हैं और सबको अच्छे से मिला ले, अच्छे से धीमा फ्लेम रखे इसे बिल्कुल अच्छे से पकने दें। इमली के मैंने यहाँ पे आमचूर का आम का खटाई लिया है, आप इमली की खटाई भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसे डाल दें जिससे खटापन स्वाद अच्छा लगता है सांभर में। और दाल डाल करके अच्छे से इसे मिक्स करें जिस तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स, देखा आप लोगों ने कितना अच्छा कलर आया है। आप 1 से 2 ग्लास के लगभग इसमें पानी ऐड करके इसे अच्छे से पकाएं। सांभर पतला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप इडली सांभर के साथ इसे आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। धनिया की पत्ती से डेकोरेट करें और गर्मा गर्म इसे सर्व करें चावल के साथ भी।